हालिया बर्मा में बुद्धा के मानने वालों की इंसानियत सोज हरकतें दुनिया के सामने आई और उनकी हरकतें देखकर सारी दुनिया सर पीटती रह गई कि आखिर कैसी कौम है जो हैवानियत के आखिरी कदम पर आकर अपने आप को दुनिया में मनवाने की कोशिश कर रही है। उनके उन हरकतों पर सारी दुनिया में एहतजाज हुआ, भारत में भी एहतजाज किया गया, लेकिन बात यहीं तक थमी नहीं बल्कि आज के माहौल में मजहब से परे इंसान इंसान ही नहीं रहा। अगर हम शहर हैदराबाद में हुए एक वाकये पर नजर डालेंगे तो रोहिंग्या मुसलमानों के खातिलों का खून कुछ शहर के लोगों की रगों में भी दौड़ रहा है। पुराने शहर के रैन बाजार पुलिस हदूद में वाके डबीरपुरा के इलाके में एक मासूम 7 साल लड़के को कब्रिस्तान ले जाकर बड़े पत्थर से सर कुचलकर मार देने की खबर सामने आई है। तफसीलात के बमोजिब शोहरत याफ्ता बीबी के अलावे के अलम्बरदार जनाब कमर हुसैन रजवी के पोतरे को उनके दामाद मीर खबर जावेद ने आज सुबह बहला फुसला कर कब्रिस्तान ले गया और वहां पर एक वजनी पत्थर से उसे कत्ल कर दिया, जबकि सारे ही लोग अलावे के मामलात में उलझे हुए थे। इस खबर पर पुलिस ने फौरन हरकत में आते हुए मुलजिम जावेद को गिरफ्तार कर लिया। इस कत्ल की वजह पुरानी खुसूमत बताई गई है। यहाँ पर देखने में ये आया है कि कातिल ने ये नहीं देखा कि मासूम ने उसका कुछ बिगाड़ा था, बल्कि दुनिया की लालच में उसने यह घिनौना जुर्म कर ही दिया। लिहाजा इसी तरह आज सारी दुनिया दौलत की लालच में इंसानियत की सतह से नीचे गिर गई है, जबकि दुनिया के किसी भी मजहब ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। हैदराबाद साउथ जोन के अंदर रेन बाजार पुलिस स्टेशन जुरिस्डिक्शन पे ये बीबी का अलावा मुत्ता वाली कमर का ग्रैंडसन एक 8 साल का बच्चा है, मासूम बच्चा है, अब्बास का नाम है, सेकंड ग्रेड पढ़ रहा है। ये बच्चों को इसका ओन मामा अंकल पैटर्नल अंकल ये बड़ा ग्रेनाइट स्टोन से सर पे डाल के मार दिया, मर्डर कर दिया। ये केवल जलसी से ये कमर के बाद कमर जी का बेटा शब्बीर हसन आलमदार बन रहा है। वो आलमदार आलम देखने में उन लोगों को नाम आ रहा है। और जो आदमी मार दिया, मर्डर कर दिया जावेद, इसका बेटा भी 2008 में मर गया, संप में गिर के मर गया। वो लोग वो जीजा जो लोग जान पूछ कर नेग्लिजेंस में इसका बेटा को मार दिया, इसीलिए वो मन में रख के पूरा जला के जलसी में ये मर्डर कर दिया। 21 दिन और कस्टडी वो एग्जामिन कर रहा हूँ। सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे तक ये लड़का बीबी का अलावा में उसका ग्रैंड फादर के साथ फादर के साथ पुलिस ऑफिसर्स के साथ वो मौजूद था। अर्ली मॉर्निंग अराउंड 3 बजे को ये जूस पिलाता हूँ ऐसा बोल के, कुछ अच्छा खबर देना है, अच्छा पैगम तुमको देना है, वो ऐसा माइंड डाइवर्ट करके बच्चों को ले लिया कब्रिस्तान को। वहाँ बहुत क्रुएल्टी रूप से वो सर पे रख के मार दिया। कुछ ही प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स मौलाली में कोई कब्रिस्तान वक्बा इशू में कुछ ही वो भी मतलब है ऐसा थोड़ा इंफॉर्मेशन आ रहा है। ऑल एंगल्स में जो एनिमिटी कैसे बन गए, जो विंजेंस कैसे आ गया,
इतना गुस्सा क्यों आया? ये मासूम बच्चे क्या कहा, क्या कर दिया? इसको मारने के लिए एक्चुअली वो भी मुत्तावाली बन जाएगा। ऐसा मामला में कोई रिलेशनदार कोई जान पूछ कर उनको सपोर्ट दिया नहीं दिया, ऐसा मामला में हम इंक्वायरी कर रहे हो ऑल एंगल्स में। जो रेस्पॉन्सिबल है डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबको गिरफ्तार करके एक्शन ले लेंगे। और ये मर्डर करने के बाद ये मौलाली का रहने वाला एक सिज्जू रवड़ी शेखर था, सिज्जू, ये सिज्जू को फ़ोन करा रहे जावेद, तो ऐसा बच्चे को मार दिया तो इन्फॉर्मेशन क्यों दे दिया, क्यों, क्या सपोर्ट उससे लेने के लिए करा? मर्डर का इसका सपोर्ट है पहले मालूम था, कितने आदमी को मालूम था, कोई पीछे कौन है, कोई मास्टरमाइंड अलग है, वो मर्डर करने में कितने लोग है, पूरा एंगल्स में हम मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन करके डेफिनेट विल टेक वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन, इमिडिएटली चार्जशीट करके उनको ट्रायल कंटिन्यू करने के लिए हम कोशिश करेंगे। यहाँ मुहर्रम मॉर्निंग डेज में बीबी कालावा का मुत्तावली इतना सबसे अंजुमान सबसे आलम से आलम में बीबी कालावा सबसे बड़े हैं, हिस्टोरिकल है वो, हिस्टोरिकल का आलमदार खमर जी बहुत अच्छा आदमी है, उनका मासूम बच्चा ग्रैंडसन को ऐसा तरफ से मारना, हम पुलिस भी शॉक में थे, इंस्पेक्टर बहुत गम मिला, लेकिन हम ऑल एंगल्स इन्वेस्टिगेशन करके मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन करके जो आदमी के रिस्पांसिबल है, जो आदमी रिस्पांसिबल है उनके ऊपर सख्ती से एक्शन लेने के लिए चार्जशीट तुरंत बनेगा, सबको अरेस्ट करेंगे। अगर कोई पीछे से कोई आदमी है तो पीडीएफ भी लगेंगे, शायद जावेद के ऊपर इस कल केस के अलावा कोई केसेस नहीं थे, पूरा इंक्वायरी करने के बाद हम